रामा जी आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे। लिखे आए सब भेंट लिया लिया लिया। हमने चित्रांगदा की छलौटी को फोन कर दिया। हमें पूर्ण विश्वास था कि विजयनगर की प्रजा हमारी बात को टाल नहीं सकती है। हाँ गुरुवर, आपके रहते आपकी प्रजा आपकी जनता आपकी बात कैसे टाल सकती है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण, आपने चुनौती पूर्ण कर दी। हमने की महाराज, नहीं हम दोनों ने मिलकर की महाराज। जी महाराज, लेकिन इससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। देवी चित्रांगदा, पंडित रामाकृष्ण ने हमारी चुनौती को पूर्ण करके आपको इस विवाह के अयोग्य बना दिया है। सुयोग्य वर की खोज में हम यहाँ रुके थे, सोचा था आपके रूप में हमारी खोज पूरी हो गई है। विवाह के बाद अपने धन से हम विजयनगर को सुखी बनाएंगे और आपको विश्व का सर्वशक्तिमान सर्वश्रेष्ठ राजा बनाने में अपना सहयोग देंगे। किंतु पंडित रामाकृष्णा ने सब कुछ चौपट कर दिया। अब हम ये विवाह नहीं कर सकते, हम आपसे दूर जा रहे हैं फिर से अपने लिए एक सुयोग्य वर खोजने। देवी चित्रांगदा, महाराज 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 चित्रांगदा देवी, महाराज 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 देवी चित्रांगदा, आप हमें इस प्रकार छोड़कर नहीं जा सकती। क्रोध हूं, ये धन प्रजा के कितने काम आ सकता था। महाराज, ये गुफा का द्वार बंद हो गया, वो गायब हो गई। ये क्या हो रहा है? रामा,
लोक के संकट के बादलों से तो तुम महाराज की नैया किनारे ले आए, परंतु कृष्णदेव राय ने स्वयं विपत्तियों का आवाहन किया है। लोभ से तो तुमने उन्हें बचा लिया, किंतु क्रोध से तुम विजयनगर को और कृष्णदेव राय को कैसे बचाओगे? पंडित रामकृष्ण, उस धन के लुप्त होने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और इस बात को हम भूल नहीं पा रहे। धन्यवाद देना चाहेंगे आपका। महाराज, मैं वो और हाँ, और हम ये भी जानने के लिए तत्पर हैं पंडित रामकृष्ण कि आप अपने अनुवाद का कार्य संपन्न कर अपने अष्ट दिग्गज के पद को बनाए रखते हुए हमें धन्यवाद कहने का अवसर कब प्रदान करेंगे? अन्यथा पंडित रामकृष्ण, अष्ट दिग्गज बने रहने के लिए आपको पुनः परीक्षा देनी होगी। देखिए महाराज, पंडित रामकृष्ण हमारे आवास का रास्ता भली भांति जानते हैं, परंतु अनुवाद के बहाने कभी कभार भूले भटके चले आते हैं। अब आप ही बताइए महाराज, हम इनके आवास पर जाकर इनका हाथ पकड़कर अनुवाद करवाएंगे तो कहां अच्छा लगेगा? क्या अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा महाराज। हम तो कहते हैं महाराज कि ये अद्भुत गुरु है, अद्भुत, हमें आपकी भी प्रशंसा करनी होगी। यदि अनुवाद का कार्य संपन्न करने का कर्तव्य पंडित रामकृष्ण का था तो हमने आपको दायित्व दिया था इन्हें इस कार्य में सहायता देने का। क्या हुआ उसका? समय पर कार्य संपन्न नहीं हुआ तो ये आपकी भी त्रुटि हुई गुरुवर। हम क्रोध करना नहीं चाहते हैं, परंतु आप सब हमें विवश कर देते हैं क्रोध करने पर। पंडित रामकृष्ण, मात्र तुम्हारे कारण हम महाराज के क्रोध के निशाने पर हैं, परंतु स्मरण रहे, जब हम प्रतिशोध लेते हैं तो उसका निशाना भी कभी चूकता नहीं। मनी, आश्चर्य है ना, अपने गुरुजी हर बार बिना कोई गलती किए अपना अपमान कहाँ कैसे लेते हैं? अरे गुरुजी की यही तो प्रतिभा है, किसी के बीच में पट से बोल पड़ना, यही है इनकी आदत। हाँ, सच कहा तूने, ये प्रतिभा तो अपने गुरुजी में कूट कूट कर भरी पड़ी है। कूट कूट के नहीं, ठूस ठूस के। महाराज, गुरुवर, हम इस विषय में और बात करना नहीं चाहते। इस विषय में बातचीत तब भी होगी जब ये कार्य पूर्ण होगा। महाराज को आज क्या हो गया है, इतने चिढ़े हुए क्यों हैं? महाराज की जय हो। महाराज, महारानी चिन्ना देवी के पिता श्री राजमहल के द्वार पर पहुंच चुके हैं। महाराज, किसी भी पिता के लिए उसकी पुत्री के घर आने की खुशी और भी दुगनी हो जाती है यदि उनका स्वागत स्वयं उनके दामाद करें। आइए, पिताश्री का स्वागत करते हैं। प्रणाम पिताश्री। सौभाग्यवती, आयुष्मान भाग, धन्य भाग हमारे, आप विजयनगर पधारे। महाराज, जिस प्रकार आपने मणि की सुरक्षा की है उसके लिए हम आपका धन्यवाद देने आए। ये तो वही आवाज है जो मैंने गुफा के बाहर सुनी थी। हम पिताश्री, ये सुंदर बालक आपको कहां मिल गया? कौन है ये सुंदर बालक? ये तो हम भी नहीं जानते। ये बालक हमें रास्ते में मिला, अपने माता पिता से बिछड़ गया। हम आशा करते हैं कि शीघ्र अति शीघ्र इनके माता पिता का कुछ पता चले, अन्यथा हम प्रस्थान के समय इसे अपने साथ ले जाएंगे। उचित है। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। मैं हूं ना।
गुरुजी, गुरुजी, धनी कुछ कह रहा है, सुन लो ना इसकी। इतने वर्षों से हमारे शिष्य हो, ये भी नहीं जानते हमें सुनाई देता है। इस समय चुप रहो, दोनों मूर्ख। दोनों को मूर्ख कहा? नहीं नहीं, मैंने तो आपका नाम पुकारा। अरे हमारा नाम मनी है। और मेरा नाम धनी है, धनी। हाँ। लेकिन ये बड़े दादाजी ने तो आपको मूर्ख कह के संबोधित किया। दादा कौन? दादा आपको। दादाजी 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 मत कहो, हम दादाजी नहीं है, हम तो उम्र में आपके ज्येष्ठ भ्राता जैसे हैं। और ये इनके ब, 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 गुण हैं, नाम नहीं। शांत शांत हो जाइए। एक बालक के उपहास पर इतना प्रसन्न होने की कोई आवश्यकता नहीं है। महारानी चिन्ना देवी, यदि स्वागत हो चुका हो तो भीतर प्रस्थान करें। जी महाराज। आइए पिताश्री। आइए पिताश्री। मैं पहली बार किसी महल में आ रहा हूँ। क्या ये असली महल है? नहीं नहीं, ये नकली महल, असली थोड़ी ना है, पत्तों का बना हुआ है, छूना मत नहीं तो गिर जाएगा। क्या सटीक उत्तर दिया है मनी तूने। शुरुआत। क्षमा महाराज। अरे चुप रहो मूर्खो। आप दोनों उत्तर नहीं दे तो ही उचित है, क्योंकि अभी अभी दादाजी ने आपके गुण बताए हैं। चुप रहो छोटे भ्राता, दादा मत कहो ना। ये महल कुछ ठीक नहीं है, इसमें इतने ज्यादा खंबे क्यों हैं? क्योंकि ये महल खंबों पर टिका है। ऐसा लगता है कि खंबे बनाते बनाते महल ही बन गया। हल करेंगी जी। ये अधिक सुंदर है कि इनके गहने। स्त्री की सुंदरता ही उसका सबसे बड़ा गहना होती है, ऐसा हमने ही स्वयं महाराज कहते हैं हमें देखकर। स्वयं महाराज कहते हैं जी। जी नहीं महारानी चिन्ना देवी, महाराज ऐसा नहीं कहते हैं। आप जब अपने गायन के लिए लंबे सुर का आलाप लेती है ना, तो महाराज भी आपसे लंबी दूरी बनाकर बैठ जाते हैं। और आप जब अनसुने अनजाने पकवान बनाती हैं, तब पता है महाराज क्या करते हैं? महाराज पूरे राज्य में उपवास घोषित करवा देते हैं। चिन्ना देवी हमारा अपमान और उपहास दोनों कर रही हैं। तो आप कौन सी हमारी प्रशंसा कर रही थी? हाँ महाराज, आपने सुना ना। शांत हो जाइए दोनों, कहीं भी वाद विवाद आरंभ कर देती है, अब शांत हो जाइए। परंतु महाराज। शांत हो जाइए रानी जी। महाराज ये महल की बड़ी दीवार
किस पर खड़ी है? नींव पर। और छत किस पर खड़ी है? स्वाभाविक सी बात है, दीवारों पर। लेकिन छत खड़ी नहीं, दीवारों पे पड़ी है। यह महल कुछ ठीक से नहीं बनाया है। कितना बोलता है ये बालक, बालक। पिताश्री, आइए, पधारिया। ये सिंहासन तो खाली है। रुकिए। आप इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकता? मुझे तो बैठना आता है। मैं तो बैठूंगा। आपको एक बार में बात समझ में नहीं आती है? कैसे समझूं? मुझे तो किसी ने समझाया ही नहीं। अरे, सर्वप्रथम तो आप ये अपना खिलौना बंद कीजिए। मस्तिष्क में दर्द हो रहा है हमारे। बंद कीजिए उसे, अन्यथा हम उसे तोड़ देंगे, फेंक देंगे उसे। महाराज, मैं समझाता हूँ। देखो बालक, मैं तुम्हें अपने घर में आने का निमंत्रण देता हूँ। हाँ, वहां आकर अपने खिलौने के साथ मेरे मित्र गुंडप्पे के साथ खेलना, बहुत आनंद आएगा। किंतु अभी सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। अभी यहाँ किसी भी आसन या सिंहासन पर कोई भी बालक बैठा हुआ है क्या? बैठेगा भी कैसे, यहाँ पे मेरे अलावा कोई और बालक है भी क्या? नहीं, मैं तो पंडित रामकृष्ण, इस बालक से बहस करके आप हम सबको, आप सीधे से बता दो इसे कि विक्रमादित्य की सिंहासन पर वही बैठ सकता है जिसने अपने 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली हो। किंतु गुरुवर, ये तो बालक है। और इस ना समझ बालक को ये भी बता दीजिए कि उन 6 शत्रुओं में विजय प्राप्त करने में केवल हमारे महाराज सक्षम हुए। और महाराज एक शुभ मुहूर्त पर पूजन के पश्चात इस सिंहासन पर विराजमान होंगे। और वो पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, हमने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया है। वो शुभ मुहूर्त है पूर्णिमा का। दादाजी, ये आधा दर्जन 6 शत्रु क्या होता है? दादा 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 क्या है? हम तुम पिता भी नहीं बने, तुम हम दादाजी बना रहे हो। दादाजी मत को, दादाजी मत को, हम तुम्हें बताते हैं। ये जो है वो नहीं, हम राजगुरु हैं। हम अपने मुख से महाराज के शत्रुओं का नाम उच्चारित नहीं करेंगे। मैं बताता हूँ बालक, वो 6 शत्रु हैं, लोभ, काम, क्रोध, मोह, मद एवं मत्सर। लेकिन जैसे ही दादाजी ने बोला कि महाराज सब पर विजय प्राप्त करने पर सक्षम है, परंतु ये तो मुझ पर क्रोधित हो रहे हैं। हे माँ, महाराज की रक्षा करना। बालक, आपके माता पिता ने आपको नहीं बताया कि हम कौन हैं? महाराज कृष्णदेव राय, महान सम्राट, नहीं बताया? आप नाभिक हैं, लेकिन आप महाराज लगते हैं, लेकिन मात्र नाम से, हृदय से नहीं। आपका हृदय तो मुझ छोटे बालक से भी छोटा है, इसलिए तो आप मुझे इस सिंहासन पे बैठने से रोक रहे हैं। बस बस बालक, माना कि तुम बालक हो, परंतु अपनी सीमा में रहना सीखो। और एक शब्द अपने मुख से निकाला ना तुम, उद्दंड बालक।
हे भगवान, कितना बोलता है ये बालक। दादाजी दादाजी, पुत्री चिन्ना, क्या यही है वो कृष्णदेव राय जिन्हें हमने आपके लिए चुना था, या ये कोई और है? नहीं नहीं पिताश्री, आपकी चिंता व्यर्थ है। महाराज आजकल कुछ विचलित रहते हैं और व्यथित रहते हैं, अन्यथा ऐसी और कोई बात नहीं है। और आप हमारे साथ चलिए, आइए पिताश्री। प्रणाम माँ, तुमने देखा ना, महाराज इतने सामान्य से विषय पर असामान्य प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो भी इतने क्रोधित होकर, जो कि उनके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। काली माँ, मैं तो इस नगर में नहीं हूँ, मेरी एक ही सहेली बनी है यहाँ, और वो भी मुझसे रुष्ट हो गई। मुझसे एक खिलौना ही तो टूटा था उसका, वो खिलौना टूटने पर इतना क्रोध करता है क्या जितना उसने मुझ पर किया? मैं अपनी नई सहेली को कैसे बताऊं कि क्रोध हम मनुष्यों का कितना बड़ा शत्रु होता है। अगर उसका क्रोध शांत नहीं हुआ तो अब क्या होगा माँ? माँ, महाराज का ऐसे क्रोधित होना कहीं दूसरे शत्रु अर्थात क्रोध का आक्रमण तो नहीं? यदि ये सत्य है तो महाराज फिर से संकट में पड़ सकते हैं। पिछली बार चित्रांगदा आई थी, लोभ में फंसाने का प्रयास किया था, इस बार क्रोध किस रूप में आ सकता है? नहीं, वो सोमू तो नहीं, नहीं, वो तो भोला है, मासूम बालक है, और क्रोध कभी भोला और मासूम नहीं होता। आप पंडित रमा जी है ना? वो क्या अस्ति दी गए? हाँ। मैं और मेरे माता पिता आपके नए पड़ोसी हैं। हम पहले मदुराई में रहते थे, पर पिताजी का व्यापार यहाँ होने के कारण हम अब यहाँ रहने चले आए हैं। अरे वाह, अब इतनी प्यारी प्यारी बातें करने वाली कन्या का एक प्यारा सा नाम भी तो होगा। हाँ है ना, मालती। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे अपना ग्रह कार्य पूर्ण करना है, नहीं तो गुरुवर बहुत डांटेंगे। उचित है। इससे याद आया, महाराज ने मुझे भी अनुवाद का कार्य समय पर समाप्त करने का आदेश दिया है। यदि समय पर समाप्त नहीं हुआ तो ओ बाप रे, चलता हूँ माँ। महाराज, पिताश्री, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमें कृष्णदेव राय कहकर संबोधित करें। जैसे आपकी इच्छा। कृष्णदेव राय जी, ये पुष्पदान आपने अभी तक संभाल कर रखा हुआ है? ये तो हमने विवाह में आपको भेंट दिया था। वो कहते हैं ना, जिसे अपना विवाह संभाल कर रखना है उसे विवाह में मिली भेंट भी संभाल कर रखनी चाहिए, अन्यथा विवाह ही भेंट चढ़ जाता है। पिताश्री, महाराज को ये पुष्पदान, इसकी नक्काशी और चित्रकारी दोनों ही बहुत पसंद है। ये पुष्पदान तो हमें भी पसंद आया। बालक, संभल कर बालक। दंड बालक, क्या किया आपने? भेंट मिली थी हमें। रोज से तो आपकी गहरी मित्रता है, और जैसे कि उन पंडित जी ने बताया, क्रोध करने वाले मनुष्य उस सिंहासन के योग्य ही नहीं होते। ये भोले मुख और तीखी वाणी वाले इस बालक को इस महल में लाने की ससुर जी को क्या आवश्यकता थी? इसका प्रत्येक शब्द हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है।
मक्खी भीतर कैसे आ गई? किसने आने दिया इसे भीतर? कृष्णदेव राय जी, ये तो सिर्फ मक्खी है, आपकी अनुमति से कैसे आएगी? परंतु ये हमारे हमारे मक्खी तो संसार का सबसे सुस्त व्यक्ति भी मार सकता है। ये तो महाराज होके भी एक मक्खी नहीं मार पा रहे हैं। शांत हो जाओ बालक। बालक शांत हो जाओ, अन्यथा महाराज तुमको काली मिर्च का काढ़ा पीने का दंड दे देंगे। मक्खी तेरा धन्यवाद, तूने मुझे अपने सिंहासन पे नहीं बैठने दिया था और तूने इनके ही सिंहासन पे इन्हें नहीं बैठने दिया। बालक, सैनिक, इस बालक को यहाँ से लेकर जाइए। रुकिए, बालक ही तो है महारानी चिन्ना देवी, रहने दीजिए इन्हें यहीं पर, क्योंकि हम अब इस मक्खी का अंत करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि अपने नेत्रों से देखे उसे। अब देखिए महाराज। पुत्री चिन्ना, ये सब क्या हो रहा है? सिर्फ मक्खी तो है। महाराज को अपने क्रोध पर काबू नहीं रहा। क्या ये ऐसे ही व्यवहार तुम्हारे साथ भी करते? नहीं पिताश्री, इनका स्वभाव तो दासों से भी प्रेम करने वाला है, बस कुछ समय से थोड़े विचलित हैं। मात दे दी हमने, भगा दिया उसे। ये लीजिए, और ध्यान रहे, आज के पश्चात कोई भी मक्खी हमारे राजमहल में प्रवेश न कर पाए। जाइए। पिताश्री, हमें लगता है कि इस समय महाराज को एकांत ही शांति प्रदान कर सकती है। हमें इन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। हम चलते हैं, आइए। महारानी जी, मैं विजयनगर को देखना चाहता हूँ और पंडित रामा जी ने मुझे अपने घर आने का निमंत्रण दिया था ना? उचित है, परंतु आप अकेले नहीं जा सकते, आप एक सैनिक के साथ जाएंगे। सैनिक, बालक को विजयनगर के दर्शन कराइए और पंडित रामा कृष्णा के निवास भी लेकर जाइए। अधिक भोजन करके हम शिथिल हो गए हैं। आओ शिष्यो, आओ हमारे हाथ पांव दबाओ, आ जाओ। क्या गुरुजी, आपके हाथ पैर तो हम रोज दबाते हैं। हाँ, कभी गला दबाने का मौका तो दीजिए, वो भी दबा देंगे। आओ दबा लो। क्या कहा, क्या कहा? कुछ नहीं गुरुजी, आपके हाथ पैर दबाना ही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, वही दबाने दीजिए, उसी में आनंद आता है हमें। प्रणाम गुरुवर। अरे पंडित रामा कृष्णा, ये सदैव बिन बुलाई मुसीबत की भांति टपक जाते हो। हम कलांत हैं, विश्राम करने जा रहे थे, आप आ गए। ये आपका जो अनुवाद है हमारे लिए सर का दर्द बन गया है। कोई बात नहीं गुरुवर, आप विश्राम कर लीजिए, तत्पश्चात हम ये कार्य आरंभ कर लेंगे। हा? और क्या गुरुजी, सारा अनुवाद कार्य तो पंडित रामाकृष्णा ही करते हैं, हमारे गुरुजी तो बस मात्र थोड़ी सी सहायता करते हैं, उसमें भी इन्हें चाहिए विश्राम करने का ठो। अरे चुप रहो मूर्खो। क्या कहा? मूर्खो, आपके मूर्ख बोलने के कारण दरबार में सबके समक्ष हम उपहास का पात्र बन कर रह गए गुरुजी। अब मूर्ख नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे। हम तुम्हारी जीवा खींच लेंगे। इसके सिवा आप कर भी क्या सकते हैं? धनी ये क्या कह रहा है? सुना तुमने, क्या कह रहा है? सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है मनी, आपको आपके ही पाखंड का आभास करा रहा है मनी। नहीं नहीं, सही तो केवल आप हैं, मनी तो मूर्ख है, इसे तो पता ही नहीं है कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा ही नहीं होने वाला। भैंस? तुमने हमें हमें भैंस कहा? क्षमा कीजिए गुरुजी, बुरा लग गया होगा ना? हाँ। अरे आपको नहीं कहा, बेचारी भैंस को बुरा लग गया होगा। हाँ। आपको क्या बुरा लगेगा? छोड़ेंगे नहीं,
छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। गुरुवर गुरुवर कृपया शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। शांत नहीं होंगे पंडित रामकृष्ण, अब प्रलय आएगा। आने दीजिए प्रलय। धनी मनी तुम दोनों तो शांत हो जाओ, कृपया अपने क्रोध को नियंत्रण में रखो। हाँ पंडित रामकृष्ण जी हमारे बीच में नहीं आइए, हम आज किसी की नहीं सुनेंगे। शिष्य को नौकर समझ के रखते हैं हमारे गुरुजी। हम अपने क्रोध पर काबू नहीं रखेंगे जब तक इनके शरीर की एक एक हड्डी नहीं तोड़ देंगे, हम शांत नहीं होंगे। कहाँ है हमारी लकड़ी? गुरुवर, अरे गुरुवर लकड़ी कहाँ है? अरे तुम दोनों लकड़ी कहाँ है हमारी? ईश्वर इस समय तो मेरा यहाँ से जाना ही उचित है, पता नहीं ये क्रोध विजयनगर पर कौन सा संकट लाने वाला है। हमारी लकड़ी कहाँ है? आज नहीं मिलेगी लकड़ी। कहाँ है हमारी लकड़ी? प्रणाम पंडित रामकृष्ण जी, महारानी चिन्ना देवी के पिताश्री के साथ आया हुआ बालक आपके आवास पर आना चाहता था, अतः महारानी की आज्ञा से मैं उसे लेकर आया हूँ। नीलमा तू आ गया। पंडित रामकृष्ण जी धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया और आपके कारण मुझे गुंडप्पा जैसा मित्र मिला। देख लामा मिला नया खिलौना, इसने दिया और इसकी ध्वनि तो मेरी घंटिया से भी अधिक मधुर ध्वनि है। अच्छा बस 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 उचित है, शारदा मेरे लिए जल लाना। कहाँ जा रहे हैं आप? इनके लिए जल लाने? बस मुझे यही जानना था, आप इनकी पत्नी है ना, कोई सेविका तो नहीं? इतना काम करती है और फिर इनके आदेश का पालन भी। तो पहले जल लेकर तो आओ फिर उठाऊंगा ना। हम जल उठाने के लिए नहीं सौगंध उठाने के लिए कह रहे हैं। सौगंध उठा लो कि हमें किसी भी कार्य के लिए कोई आदेश नहीं दोगे। और हाँ हमसे आज तो जल मांग लिया, आज के बाद कभी जल मत मांगना। उचित है, तुम बिन मांगे ही जल पिला देना, मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तुम रुष्ट क्यों होती हो, मैं स्वयं जल ले लेता हूँ। लामा लामा ये देख। आज आपको स्वयं जल लेने के लिए क्या कह दिया, तो आपने झूठा जल हमारे ऊपर गिरा दिया। भगवान हम क्यों, स्नान हम आपको कराएंगे। ये क्या किया? तुम्हें पता है ना मैं केवल एक ही बार स्नान करता हूँ, तुम्हारा स्नान क्यों कराया? चुप कर, तू क्या हंस रहे? वाह मित्र, इन्हें पता भी नहीं चला कि सबसे पहले जल शारदा के ऊपर तुम्हारी त्रुटि से गिरा। शारदा पकड़ो इस गुंडप्पे को। अब आनंद आया अप्रत्याशित स्नान करके।
पंडित रामकृष्णा जी, बालक के राजमहल वापस जाने का समय हो गया है। हाँ, ले जाइए। कल फिर लाना मतलब? अवश्य मित्र। इस बालक की उपस्थिति और खिलौने की आवाज का क्रोध से कहीं कोई संबंध तो नहीं? नहीं नहीं, इसमें इस बालक का क्या दोष? इसका कोई दोष नहीं, दोष तो उनका है जो बालक की बात पर क्रोधित हो रहे हैं। ओ, वस्त्र बदलने पड़ेंगे। पंडित रामकृष्णा जी, शीघ्र उठिए, दरबार चलिए। चलिए। एक क्षण, आप इतनी भोर को अकस्मात मेरे आवास पर? आना ही पड़ा, कारण ही कुछ ऐसा है। मंत्री जी। जी महाराज। बिना विलंब किए हमारे प्रस्थान की तैयारी करो, हम अपने पुत्र को उस स्थान पर नहीं छोड़ सकते जहाँ वो ना तो सुखी है और ना ही सुरक्षित, भले ही वो स्थान हमारे पुत्र का ससुराल क्यों ना हो। कृष्णदेव राय का यह व्यवहार अब सहन नहीं होगा। प्रणाम महाराज, बिना अनुमति आपके मध्य बोलने के लिए क्षमा चाहता हूँ, किंतु ऐसा क्या हो गया कि आप अपने दामाद महाराज श्री कृष्णदेव राय के विषय में ऐसी बातें कर रहे हैं? पंडित रामकृष्णा जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए आप स्वयं देखेंगे तो समझ जाएंगे कि इस महल में क्या हो रहा है। ईश्वर, सैनिक ने कहा कि अनर्थ हो गया, इधर बड़ी महारानी जी के पिता श्री महाराज के विषय में इतनी अशुभ बातें कर रहे हैं। हे माँ, ये अपने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ये सारे व्यंजन हमें सोया खाने पड़ेंगे। जिसने छोटी महारानी को स्वयं उनका बना भोजन खाने पर विवश कर दिया। वही तो मैं सोच रहा हूँ बंधु, जो आज तक नहीं हुआ आज किस कारण वश हो गया। उड़े जा जा रे कौवे, उड़े जा रे कौवे। अभी बड़ी महारानी को क्या हो गया है, ऐसा विचित्र गीत क्यों गा रही है? उड़े जा जा रे कौवे, उड़े जा उड़े जा रे कौवे, जाना जा 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 जा। हे माँ, ये हो क्या रहा है दरबार में? मेरी आंखें ये जो दोनों रानियों को अविश्वसनीय दशा में देख रही हैं, कुछ अनिष्ट तो नहीं होने वाला? रामकृष्ण आ गए आप? पंडित रामकृष्ण जी। जी बड़ी महारानी जी, किंतु मुझे शीघ्र बताएं कि आपकी और छोटी महारानी की इस दशा का कारण क्या है, और महाराज इस समय कहाँ हैं? उन्हें ये सब ज्ञात भी है? उन्हें ये सब ज्ञात क्यों नहीं होगा पंडित रामकृष्ण, उन्हीं के आदेश के अनुसार तो ये सब हो रहा है। क्या? हाँ पंडित रामकृष्ण, आज प्रातः कर्कशध्वनि किसकी है? संगीतकार कहाँ है? संगीतकार! संगीतज्ञ कहाँ है? संगीतकार कहाँ है? अवकाश के बाद कोई कहाँ होता है? हमने उन्हें अवकाश दे दिया है,
जिससे हम आप हमारे दिन का शुभारंभ अपने इस बेसुरे गायन से कर सके। हे महाराज, महाराज आपने तो सदैव हमारे सुरों की और संगीत की प्रशंसा की है। और आज ये कौवे हैं आपके श्रोता, जो आपके इस बेसुरे गायन के कारण हमारे कक्ष तक खींचे चले आए हैं। अब आप ही इन्हें निकालिए बाहर, भगाइए इन्हें, चलिए। जी जी महाराज। क्षमा कीजिए महाराज, हमने सोचा गत कई दिवसों से आप जिस मनस्थिति से गुजर रहे हैं उसमें हम आपको अपना मधुर संगीत सुनाकर जगाएं तो आपको। जगाने में और निद्रा भगाने में अंतर होता है महारानी चिन्ना देवी। महाराज महाराज, आज हम आपके लिए कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाने वाले हैं। ये देखिए उनकी सूची। अद्भुत, ये है महाराज कृष्णदेव राय की दो धर्म पत्नियां। एक की ओर से बेसुरा मनोरंजन तो दूसरी की ओर से बेस्वाद व्यंजन। अद्भुत अद्भुत महाराज कृष्णदेव राय, परंतु इसमें हम आपको भी दोष नहीं दे सकते रानिया, क्योंकि ये त्रुटि तो हमारी है, हमें आप दोनों को छूट दे रखी है। परंतु बस अब और नहीं, इस छूट का और आनंद नहीं उठा पाएंगे आप, हम और त्रस्त नहीं होंगे आप। महारानी चिन्ना देवी, ये संगीत, ये सुर, ये बेसुरे सुर आपकी साधना है ना, है या नहीं? जी जी है महाराज। जी, आज से आप इस साधना को अपना साधन बनाएंगी और इसका उपयोग करेंगी इन कौवों को भगाने में। हमारे कक्ष से, हमारे छत से सारे कौवों को आज के पश्चात आप भगाएंगी, और एक भी कौवा दिखना नहीं चाहिए हमें, उसकी ध्वनि नहीं सुनाई देनी चाहिए हमें। महाराज, आदेश है ये हमारा। महाराज, आज हमने आपके लिए पीपल के पत्तों की सब्जी, काली मिर्च का हलवा और नीम का। नीम का नहीं, आप हमारी बात सुनिए महारानी तिरुमलम्बा, आज के पश्चात आप स्वयं अपने बनाए हुए व्यंजनों को ग्रहण करेंगी, उसका सेवन स्वयं आप करेंगी, और ये भी हमारा आदेश है। और यदि हमारे आदेश का उल्लंघन हुआ तो आप दोनों को कारागृह में डाल दिया जाएगा। परंतु महाराज, और यहाँ पर उपस्थित सभी व्यक्ति ये समझ ले और जान ले कि राज्य हमारा है, यहाँ के राजा हम है, यहाँ निर्णय भी स्वयं हम लेते हैं, ये परिवार भी हमारा है और यहाँ पर भी निर्णय हम लेते हैं, तो हमें किसी के भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। पंडित राम कृष्ण जी, कृष्णदेव राय ने अपने व्यवहार से मेरी पुत्री के साथ अपने संबंध के सम्मान को समाप्त कर दिया है। अब हम अपनी पुत्री को ले जाकर ये सारे संबंध समाप्त कर देंगे और पुत्री तिरुमलम्बा को भी साथ में लेकर जाएंगे। महाराज, मैं समझ सकता हूँ कि पिता होने के नाते आपको महाराज के इस प्रकार के व्यवहार से अत्यंत ही दुख पहुँचा होगा, किंतु ऐसे कठिन समय में उनका साथ छोड़ देना भी तो उचित नहीं ना। आप चिंतित ना हो, मुझे उनके इस व्यवहार का कारण समझ में आ चुका है। यदि कौओं की कर्कश ध्वनि प्रातः काल महाराज की निद्रा उड़ा सकती है तो संगीत की मधुर ध्वनि उनके कानों को तृप्ति भी तो पहुंचा सकती है ना। Thank you.
अद्भुत अद्भुत। अभी जो आपने देखा वो महाराज का असली और स्वाभाविक रूप है, ना कि वो जो आपने सुबह देखा था। इसलिए अब मैं आपसे विनती करूंगा कि आप अब बड़ी महारानी जी को अपने साथ ले जाने का निर्णय त्याग दे महाराज। पंडित रामकृष्ण जी, आपका बहुत नाम सुना है और हमें आपके प्रति आदर और सम्मान है, परंतु हमने महाराज का असली रूप देखा है, इसलिए अब हम आज इस घड़ी से अपनी पुत्री को यहां रहने नहीं दे सकते। महाराज, यदि मेरे कथन में कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, किंतु बड़ी महारानी जी आज अभी इस घड़ी से तो यहां नहीं है ना। ये तो कितने वर्षों से महाराज की जीवन संगिनी बनकर यहां जीवन निर्वाह कर रही हैं। यदि महाराज के व्यवहार में सदैव से ही कोई कमी या क्रूरता होती तो बड़ी महारानी जी के लिए यहां रह पाना कैसे संभव होता महाराज। पिताश्री, पंडित रामकृष्ण का कथन सत्य है, हम उनकी अर्धांगनी, उनके स्वभाव और व्यवहार से भली भांति परिचित हैं। हम उन्हें अपने हृदय से जानते हैं। इस समय वो थोड़े विचलित हैं, उनकी मनस्थिति कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में हम उन्हें छोड़कर चले जाएं? नहीं। परंतु पुत्री, पिताश्री, क्या हमने उनसे विवाह सुख में साथ देने के लिए किया था? आज जब उन्हें हमारी सबसे अधिक आवश्यकता है, हम उन्हें छोड़कर चले जाएं? नहीं पिताश्री, ये हमसे संभव नहीं हो पाएगा। हम यही रहेंगे और यही हमारा निर्णय है। आपका कहना उचित है पुत्री, आवेश में आके कुछ क्षण के लिए हम हमारे दिए गए संस्कार को भूल गए थे। पुत्री, आपने और पंडित रामकृष्ण ने हमें हमारी त्रुटि का भान करवा दिया है, इसलिए अब जब तक महाराज पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते हम यहीं रहेंगे। महाराज कृष्णदेव राय की जय! 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 ये महामंत्री अभी मनी, मेरा बस चले तो इस चुटंकू की खटिया ही खड़ी कर दूं। जब देखो जब बजाता रहता है कट 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 कट। बालक, आप यहाँ राज दरबार में क्या कर रहे हैं? महाराज दरबार में बालक नहीं आ सकता। नहीं, ऐसी बात नहीं है, अवश्य आ सकते हैं, परंतु यदि कोई आवश्यक कार्य हो तब भी आ सकते हैं। आप जाइए और उद्यान में खेलिए, जाइए। महाराज, यदि इस दरबार में मक्खी आ सकती है तो एक बालक क्यों नहीं? कितना बोलता है ये बालक। हे माँ, ये मक्खी कहाँ से आ गई? महाराज की मानसिक शांति भंग करने के लिए। ये मक्खी राज दरबार में कैसे आ गई? मना किया था ना हमने सेवकों से? इस मक्खी को तो आज हम स्वयं मार देंगे। मनी, मेरे हाथ में आए ना मक्खी, ये मसल मसल के मसल मसल के कचौमरी बना दूं इसका। तो फिर आपके समीपा की निकल गई।
करेगी। इल्लामा, अब नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। खड़े रहो सबके सब, जिस पर भी मक्खी बैठी है यदि वो हिला तो मृत्यु दंड दे देंगे हम। ए भगवान, ये क्या कह दिया महाराज आपने? ये व्यवहार महाराज से कदापि अपेक्षित नहीं है। क्रोध को अपने विवेक के ऊपर हावी होने दे रहे हैं महाराज, और ये मृत्यु दंड हम तुम्हारे हमारे पास पठन बेटी लेगा मत। मक्खी का वध करने हम स्वयं आ रहे हैं। मक्खी बचे न बचे ऐसा प्रतीत होता कि हम नहीं बच पाएंगे। सही स्थान भी पहुंच गई। मनी, महाराज के करारे हाथ को तो देख के लगता है कि हमारे गुरुजी को आज सारे के सारे ग्रह नक्षत्रों के दर्शन होने वाले हैं। हाँ धनी, आज तो खुल के रहेगी गुरुजी की दिव्य दृष्टि। हमेशा कहते रहते ना, हमारी दिव्य दृष्टि। बोतवाल हिलना मत। इस मक्खी को हम घूसे से मार के लाएंगे। अब पड़ेगा कोतवाल को मुक्का। को आपसे विशेष प्रेम है, तभी तो आपके शिष्यों की गाल लाल करवाकर पुनः आपसे मिलने आ गई दादाजी। दादाजी मत कहो ना, अभी हमारी उम्र ही है। गुरुवर क्या किया आपने? क्या किया महाराज, हमने क्या किया? बोले क्यों? क्षमा कीजिए महाराज, आपने हिलने के लिए मना किया है, बोलने के लिए मना नहीं किया है। अब मना कर रहे हैं बोलने के लिए भी और हिलने के लिए भी। कोई नहीं हिलेगा, कोई नहीं बोलेगा। ये महाराज को क्या हो गया है, कैसे समझाए कोई इन्हें? इधर गई धनी मनी, ऐसा प्रतीत होता है आज कोई नहीं बचेगा। इस मक्खी को आज हम जीवित नहीं छोड़ेंगे, मृत हो जाएगी आज हमारे हाथों से। मृत्यु धुलाई बन पीछे आ ही जाती है। दास, दास, शीघ्र जाओ और थोड़ा घोड़ लेकर आओ। हाँ जाओ।
अरे देख क्या रहे हो, शीघ्र प्रस्थान करो अन्यथा यहाँ सब सर्वनाश हो जाएगा। जाओ। रामा मुझे बचा ले, रामा इस मक्खी को मुझसे दूर कर, कहीं महाराज मेरे प्राण न ले ले। बंधु शांत हो जा, कुछ नहीं होगा, जो करना था मैंने कर दिया है, अब बस समय का खेल है। यदि मक्खी प्राण ले सकती है तो गुड़ जीवन दान दे सकता है। आज मक्खी का वध करके रहेंगे। सोनू, पिताश्री, पिताश्री आपके इस प्रकार दरबार में आने का प्रयोजन कोई अति आवश्यक कार्य है क्या? नहीं कृष्णदेव राय, कोई कार्य तो नहीं। ये बालक सोमू मुझे बिना सूचित किए दरबार में आ गया, बस इसे लेने आया। आओ सोमू। बालक सोमू के साथ दरबार से क्यों गए? महाराज भी प्रथम बार क्रोधित सोमू के कारण ही हुए थे। सर्वप्रथम तो आप ये अपना खिलौना बंद कीजिए, मस्तिष्क में दर्द हो रहा है हमारे, बंद कीजिए उसे, अन्यथा हम उसे तोड़ देंगे, फेंक देंगे उसे। फिर घर पर शारदा को मुझ पर अकस्मात ही क्रोध, सोमू की उपस्थिति में ही आया था। सौगंध उठा लो कि हमें किसी भी कार्य के लिए कोई आदेश नहीं दोगे, और हाँ हमसे आज तो जल मांग लिया, आज के बाद कोई जल मत मांगना। क्या ये घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? कहीं इन घटनाओं का कारण ये बालक तो नहीं?